मेरी बच्ची की फोटो देखो कितनी प्यारी है। सिर्फ फोटो नहीं, मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, वो सबसे ज्यादा समझदार है। मैंने उसे जब दी थी तो वो कितनी खुश हो गई थी ना। नहीं, ये तुम नहीं लाए थे, मैं खरीद कर लेकर आई थी। क्या कह रहे हो तुम, मुझे अरे याद वाँ है। अरे बे, तुमसे कोई गलती हुई है मैडम, ये मैंने लाई थी उसके लिए। याद है उस शाम को जब शॉप बंद होने वाली थी, वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी गुड़िया देखकर, तब मैंने शॉप वाले से शॉप खुलवा कर उसे गुड़िया दिलाई थी, उसने संभाल कर रखी थी इतने साल। देखो कितनी अच्छी है मेरी बेटी, देखा मेरी खूबसूरत बेटी, मुझे याद आ रही है। बेटी, आपकी बेटी, आपकी सिर्फ एक ही बेटी है क्या? क्योंकि आप दोनों तो क्लियरली मेरे बारे में भूल ही गए हैं, है ना? नहीं नहीं बेटा, लैला के जाने के बाद हमें उसकी बहुत याद आ रही है। तुमसे भी प्यार करते हैं, तुम भी हमारी बेटी हो। मुझसे भी? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा लगा ये सुनकर। हाँ। सुबह सुबह ये सुनकर मेरा तो दिन ही बन गया। मेरा फोन। हेलो जान। गुड मॉर्निंग बेबी, मैं गेट के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। गेट पर क्यों? मैंने तुम्हारी फेवरेट कुकीज, सैंडविचेस, ड्रिंक्स लाए हैं, कुछ म्यूजिक और कैंडल्स भी हैं, और अगर तुम्हें ठंड लगे तो मेरे पास शॉल भी है। मैं एक अच्छे स्पेस में रखना चाहता हूँ। आई कांट बिलीव, पर मैं लिखूंगी कहाँ? मैं तुम्हें हट में ले जाऊंगा, वहाँ बिना इंटरप्शन के तुम लिखना। ठीक है ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मॉम मैं निकल रही हूँ, बाय। कहाँ? नए नोट्स ढूंढने के लिए डैड। पता नहीं इस लड़की को अकल कब आएगी। मेरी बेटियां कब बड़ी होंगी। मैं लैला के बिना घर कितना सोना सोना लग रहा है, हर पल उसकी याद आ रही है। At your service, my lady. आप ये सब करके मुझे बिगाड़ रहे हैं। चाय पियोगी? कार में उसका भी बंदोबस्त किया मैंने। प्लीज आइए मैडम। ओह, यहाँ चाय भी है, वाओ, थैंक यू सो मच। अब मैं आंखें खोलूं जान? रुको ना, इतनी जल्दी क्या तुम्हें? जान, आई एम सो एक्साइटेड, मुझे देखना है कि आपने क्या किया है, जल्दी कीजिए ना। आई थिंक सब कुछ रेडी है, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो अब। आंखें खोलूं? हाँ खोल दो। आर यू रेडी? हाँ मैं रेडी हूँ, तुम हो? हाँ हाँ मैं तो रेडी हूँ। जान ये कितना रोमांटिक है, वाओ ये सब कितना रोमांटिक है जान। मैं यहाँ जिंदगी भर आपके साथ रह सकती हूँ। हे ऐसा मत कहो, तुम जानती हो क्यों, है ना? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं लॉक्ड रहो, कहीं ना जाओ। हाँ? कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ? जान, मैं यहाँ बुक लिखने आई हूँ तो मुझे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। एब्सोल्युटली। ठीक है देन, मैं यहीं रहूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो बस मेरा नाम ले लेना, नाम तो पता ही होगा। जान ओके, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहीं कहीं हूँ मैं आसपास। ठीक है, तो अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ जान। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। मैं बिल्कुल लिख नहीं पा रही, ये सब इतना रोमांटिक है कि मुझे हमारी मेमोरीज याद आने लगी है, एंड आई कांट स्टॉप माइसेल्फ, मुझे बस अभी आपके साथ रहने का दिल कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस जाकर लिखना होगा, मैं यहाँ नहीं कंसंट्रेट कर पाऊंगी, मुझे वही जाना होगा। मैं चलती हूँ ऑफिस में, वही बेहतर रहेगा। आई एम सॉरी जान, हम बाद में मिलते हैं। As you wish. आप ही मेरे साथ चलिए ना, शायद आपकी भी बात गीत से हो जाए। okay. थैंक यू ये सब अरेंज करने के लिए। अब मैं
इकित को इन्फॉर्म कर लेती हूँ। ओके ये सब क्या है? डियर सनम, तुम कंफर्टेबली लिख पाओ इसलिए मैंने ये सब अरेंज किया है। फ्रिज में तुम्हारा फेवरेट खाना है और ड्रिंक्स है, चाय भी है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को मीटिंग्स अटेंड करनी है। तुम भी कॉल कर सकती हो जब तुम चाहो। तुम्हारी बुक इस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज उसे कंप्लीट करना। ओके देन, तुम यहाँ काम करो, मैं हट पे जा रहा हूँ। मुझे यहाँ वैसे भी बोर हो रहा है। नहीं जान, आप यहाँ रहेंगे ना? तुम यहाँ काम पर फोकस कर पाओगी। काम करो, बाद में मिलते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है जान, बाद में मिलते हैं। जान, कितना सुहाना दिन है ना, मुझे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आज। नहीं, मेरे लिए नहीं है जे, मेरे लिए काफी अनलकी दिन है। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है, a few dark things, you know, it's not a good day for me. अगर ऐसा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए मिस्टर जान। आपको MR की जरूरत है, मैं अपॉइंटमेंट अरेंज करता हूँ आपके लिए, ठीक है? क्या MR की बात लगा रखी है तुमने? मैं उस यीगिट की वजह से परेशान हूँ, अब तुम मेरा सर मत खाओ प्लीज। सच कहूँ मिस्टर जान, मुझे भी वो एक बड़ी परेशानी लगता है। मुझे ना उससे बुराई की बू आती है, उस बू को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मिस्टर जान। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उस यीगिट का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए। ओके, तुम्हारी फीलिंग भी म्यूचुअल है? ऑफ कोर्स है मिस्टर जान। आपने देखा हमारे बीच क्या टेलीपैथी होती है? सिर्फ अच्छे दोस्तों के बीच ऐसी टेलीपैथी होती है। इसका मतलब हम में गहरी दोस्ती है। मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। आई विश सनम भी ये समझ पाए कि वो ट्रस्टेबल नहीं है। जे, मुझे ना एक कॉल करना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। समझ गया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर जान, तो इसके आगे आपको फोन कॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम टेलीपैथी से ही बात करेंगे। हमारा रिश्ता दिल का है, फोन का नहीं है। और डोंट वरी, मैं यकीत को संभालूंगा। मैं नहीं चाहती ये नॉर्मल फेरी टेल जैसा लगे, कुछ क्रिएटिव सोचना होगा। Come on, Sanam, you can do it. दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल राइटर क्या कर रही है? मैं वो राइटर हूँ जो कुछ भी लिख नहीं पा रही है। मेरे साथ चलो, मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? मेरा एक दोस्त है जिसे मेरी डार्लिंग राइटर से मिलना है, तो जान मुझे बहुत काम है, मैं ये नहीं। मैं जानता हूँ, पर रेस्टोरेंट यहीं पर है, वो वेट कर रहा है, हम जल्दी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, पर जल्दी। हाँ ओके, चलो। ओके, कौन है ये? चलो। फिक्रत, व्हाट्स अप? वेलकम। ज्यादा वेट तो नहीं करवाना? वेलकम। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना जल्दी में बुलाया, दरअसल मुझे एक मीटिंग में जाना है। आप मिस सनम होंगी? हाँ मैं हूँ। बैठी। अच्छा मिस सनम, मैंने आपकी राइटिंग पढ़ी। मेरी राइटिंग पढ़ी? हाँ, मैंने फिक्रत को तुम्हारा कुछ काम दिखाया जो तुमने ऑफिस में लिखा था। हाँ, वो एक एडवर्टाइजिंग के लिए था। I'm sorry, आप कौन है? फिक्रत मेरा पुराना दोस्त है, हम दोनों एक ट्रैवल मैगजीन पर काम कर रहे थे, फिर फिक्रत ने जॉब छोड़ दी और अब वो टर्की के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस का ओनर है। सबसे बड़े नहीं पर अच्छे, EF ग्रुप अगर आपने सुना हो तो। I'm so glad to meet you, Mr. Fikret. मैंने काफी बुक्स पढ़ी है आपके पब्लिशिंग हाउस की। फिक्रत, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आई अप्रिशिएट इट। रोज मुझे सैकड़ों बुक राइटर्स के कॉल आते हैं, पर मिस सनम की राइटिंग ने मुझे इम्प्रेस किया है, वरना मैं नहीं आता। थैंक यू सो मच, बट आई। तुम्हारी राइटिंग स्टाइल काफी इम्प्रेसिव है, बहुत ही फ्लोइंग और मूविंग। मैंने सुना है तुम अभी किसी बुक पर काम कर रही हो? हाँ, पर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा जान, हम यहाँ क्यों आए हैं? फिक्रत को तुम्हारी बुक पब्लिश करनी है। अगर तुम मुझे एक ड्राफ्ट भेज दो तो हम 2 महीने के लिए उस पर काम करेंगे, फिर पब्लिश कर देंगे। मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ। फिलहाल मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना होगा,
अगर चाहो तो हम अगले वीक मिल सकते हैं, डिनर करेंगे, थोड़ी बातें कर लेंगे। थैंक यू फिकर, सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम लिया, बट थैंक्स अगेन, आई विल सी यू। थैंक्स, माय प्लेजर, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस सनम। मी टू। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज सनम? सनम, 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 क्या कर रही हो? रुको सनम, जान मुझे समझ नहीं आता, हाउ कैन यू ह्यूमिलेट मी दिस मच? क्या बोल रही हो सनम, मैंने ह्यूमिलेट कहाँ किया? आप चाहते हैं कि दुनिया को ऐसा लगे कि मैं बुक पब्लिश कर पाई क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के पास कॉन्टैक्ट्स हैं? नॉनसेंस सनम, फिकरत को तुम्हारी राइटिंग वाकई में बहुत पसंद आई। आपने मेरी राइटिंग बिना पूछे किसी और को दिखाई? शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है या फिर आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं जान। सनम यहाँ आओ, चलो बैठ के बात करते हैं। छोड़िए आप, मेरे पास पब्लिशर है, इतने मुझ पर डे वन से भरोसा किया है, समझे आप? और शायद मेरी बुक अब्रॉड में पब्लिश हो जाए। ऑफ कोर्स, वो बुक जो तुमने अभी तक लिखी भी नहीं, ये गेट को कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है तुम पर? तुम्हें उसमें कुछ गलत नहीं लगता? क्या मतलब है आपका? सनम, फिकरत को तुम्हारी राइटिंग पसंद आई और हर किसी को पसंद आएगी क्योंकि तुम टैलेंटेड हो, तुम क्रिएटिव हो और तुम यंग हो अभी। फिकरत इज द राइट मैन, आई एम टेलिंग यू। तो आप डिसाइड करेंगे मेरे लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। असल में आपको इगिट से प्रॉब्लम है, आप नहीं चाहते कि मैं उसके साथ काम करूं, आप नहीं चाहते कि मैं अपनी बुक अपने बलबूते पर पब्लिश करूं। जान आपको पता है, आप बस ये चाहते हैं कि सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो और कुछ नहीं। ओके ठीक है, तो तुम भी कहीं दूर चली जाओ मुझे छोड़कर। दूर आप मुझे कर रहे हैं, मैं नहीं। आप मुझसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं पर पोस्टपोन कर देते हैं। आपको मेरे साथ अब्रॉड जाना था पर मैंने ना करने पर आपने गुस्सा किया, आप अपने प्रॉब्लम से भागते हैं, समझे? सनम, यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आई डोंट। ये आपका प्यार है? हाँ, यू आर हर्टिंग मी। आप मुझसे मेरा गुरु छीन रहे हैं। आपको मेरे प्राइड की, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है। आगे से मुझे आई लव यू मत कहना। काम कैसा चल रहा है सनम? बुक कुरियर कर दो ना, मुझे पढ़ने का मन हो रहा है। हेलो इगित, इगित मैं हार गई हूँ, मैं कुछ नहीं लिख पाई, एक वर्ड भी नहीं। मुझे लगता है मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं हूँ। शायद मैं राइटर बनने के लिए अभी तैयार ही नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई होप कि मैं अपना बुक पब्लिश करने का सपना पूरा होते हुए देख पाऊँ, पर शायद फिलहाल वो वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि खुद पर काम करना होगा। एक्चुअली मेरे पास एक फाइल है पर मुझे उसके लिए जान का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, लेट्स स्पीक फेस टू फेस। अजीब होती है ना फेरी टेल्स, हैप्पी एंडिंग वाली कहानियां दिखाती है पर असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। मेरी फेरी टेल में मेरे फ्यूचर में क्या होगा,
मेरी कहानी किसी स्पॉइल प्रिंसेस की तरह हो सकती है, पर क्या मैं वो प्रिंसेस हूँ जो किसी प्रिंस का वेट कर रही है, या फिर मैं उस मीन प्रिंस के साथ प्यार में पड़ जाऊँ, एक ऐसा प्रिंस जो अपने स्माइल के पीछे अपनी असलियत छुपाता है। पता नहीं वो प्रिंस कैसा है और मैं उसे कैसे पहचानूंगी। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूं। जॉन, जब तक तुम लौटोगे तब तक मैं निकल चुकी होंगी। तुम्हें अब ज्यादा वक्त मुझे झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्या थी? But anyway, मुझे लगा था कि तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी चली जाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। ओके, आप सूटकेस यहीं छोड़ दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, तो मैं छोटा सूटकेस अपने साथ ले जाती हूँ। वेलकम। थैंक यू। जिस दिन से आपको मिली हूँ उस दिन से ये कहानी लिख रही हूँ इस नोटबुक में। ये बुक पढ़ने के बाद कोई राज नहीं होगा जो आपको पता ना हो, फिर चाहे वो आपके लिए मेरी फीलिंग्स हो या मेरा गुस्सा। आपकी परमिशन मिलने के बाद ये बुक पब्लिश करवाऊंगी मैं। इसे पढ़ लेना और मुझे बताना कि क्या मैं इसे पब्लिश कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है। यू आर अ फ्री वुमन, जो चाहे वो करो। ये हमारी कहानी है, बजाय आपके परमिशन के पब्लिश नहीं होगी। क्या हो गया? आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना गुस्सा के किसी की जान की परवाह नहीं? क्यों किया जान आपने ऐसा? किसी की जान की परवाह नहीं है आपको? भाई, सनीम, तुम ठीक हो? क्या हुआ? सनीम, तुम ठीक हो ना? सनीम, क्या हुआ है बताओ मुझे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। ठीक है, इट्स ऑलराइट, काम डाउन। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जान? हाउ कैन यू? क्या क्या था उसने? आपसे बात ही तो करने आया था ना, और आपने क्या किया? उसे मार दिया। क्यों जान, क्यों किया ऐसा? सनम इनफ, बस बहुत हो गया ये सब। मैंने सिर्फ उसे पुश किया था। ये एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। मुझे ब्लेम मत करो, समझी? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम शांत हो जाओ, वहां जाकर बैठो प्लीज।
क्या हुआ? उसकी बैकबोन इंजर्ड हो गई है, वो फिर कभी नहीं चल पाएगा, अपनी पूरी जिंदगी उसे व्हील चेयर पर ही बितानी होगी। पर उसे अब होश आ गया है तो उसे कोई कोई इस बारे में बताएगा नहीं। ओके प्लीज प्लीज, मुझे उससे मिलना होगा। डॉक्टर, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। कैन यू प्लीज लीव अस अलोन फॉर 10 मिनट्स? मैं 10 मिनट बाद आपको बुला लूंगी, प्लीज डॉक्टर। ठीक है मिस हुमा, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। ये गेट, तुम ठीक हो? ये गेट मैं कितना डर गई थी, तुम ठीक तो हो ना? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू। ये गेट, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, पर आई डोंट नो तब मुझे क्या हुआ, और तुम्हें फिर से ठीक करने के लिए जो भी हो पाएगा वो मैं करूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। यार नो थैंक्स, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तुमने ये जानबूझ के नहीं किया। एक फेवर चाहिए, आज के बाद सामने मत आना तुम, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सॉरी होगा। ठीक है? कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। जान, सनम, मैं जान, मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया। आई स्वेयर, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने तुम्हारे बारे में कुछ कहा और मैं मेरा आपा खो बैठा। अगर वो मर जाता तो? इतना गुस्सा किस बात का? और कभी मुझ पर गुस्सा आने पर भी यही करेंगे? क्या हो गया आपको जान? व्हाट नॉनसेंस, क्या बोल रही हो तुम? मुझे ये गेट को नहीं मारना था। मैं मर जाऊंगा पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। क्या यही रीजन है कि आपने वो नोटबुक जलाई? मैंने नोटबुक नहीं जलाई। सनम, डू यू रियली थिंक कि मैं तुम्हारी नोटबुक जलाऊंगा? सच में? हाँ, तो फिर वहाँ आपके सिवा और था ही कौन? ये गेट वो क्यों जलाएगा? उसे तो वो सबमिट करनी थी। मैंने कुछ नहीं किया सनम, मैंने बुक नहीं जलाई। तो मुझे उस बुक में से कोई सेंटेंस सुनाइए जो जो आपने उसमें से पढ़ा है, बताइए। आपने वो नहीं पढ़ी ना? सिंपल सी बात है। मुझे अभी कुछ नहीं कहना सनम, आई एम सॉरी। शायद यही आपकी प्रॉब्लम है। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने उस नोटबुक में लिखा था। हमारा प्यार, मेरा झगड़ा, मेरा गुस्सा, फैब्रिक का किस्सा। पर शायद आप में उतनी हिम्मत नहीं थी कि आप उस बुक को पढ़ सके। हिम्मत? हाँ, आप छोटी चीजें बोलकर खुद को कन्विंस करते हैं, मेरी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, और जब मैं आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो मेरी बात भी नहीं सुनते। मेरे लिखे हुए लेटर्स, मेरी बुक चला देते हैं। जान, आप मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि आपने जो इमेज बनाई है ना सनम के अपने दिमाग से, उससे प्यार करते। सनम, दैट्स इनफ, चलो यहाँ बात नहीं करता।
मैं नहीं आऊंगी। सनम, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने यिगिट को जानबूझकर हार्म किया और तुम्हारी नोटबुक जलाई, देन आई थिंक इट्स बेटर कि मैं यहाँ रहूं ही ना, राइट? क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने सपने में भी हर्ट नहीं कर सकता। बट एनीवे, तुम ये बात समझ नहीं पाओगी। ओके, मैं जा रहा हूं। Yalanım yok,